एक्सेंचर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी एक कंपनी है जो कि लीडर्स हैं इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एज वेल एज आईटी सर्विसेज। रिसेंटली उनके FY23 के Q2 के रिजल्ट्स निकले, बट ये जो वीडियो है उनके रिजल्ट्स के ऊपर नहीं है, बट रिजल्ट्स के साथ आने वाले एक न्यूज़ के ऊपर है। तो एक्सेंचर ने अभी पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले 18 महीनों में वो अपना 2.5% ऑफ करंट ग्लोबल वर्कफोर्स को रिड्यूस कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 पीपल को निकालने वाले हैं, उनका ले ऑफ होने वाला है इन कमिंग मंथ्स। अब किसका ले ऑफ हो सकता है, किन बेसिस पे हो सकता है, इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी थोड़े बेसिक चीज के बारे में जान लेते हैं। एक्सेंचर जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक लीडिंग कंपनी है इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एज वेल एज प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज, एक्सेंचर के अप्रॉक्सीमेटली 7.38 या फिर 7.4 लाख के आसपास एम्प्लॉयज है ओवर द ग्लोब, एंड इनमें से जो 40% जो वर्कफोर्स है वो इंडिया से ही है। अब यहाँ पे हालांकि अगर मैं आपको बिल्कुल सच बोलूँ तो अभी कुछ भी बताया नहीं गया कि किसको निकाला जाएगा, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से निकालने के चांसेस हैं या फिर किस मार्केट से निकालने के चांसेस हैं, किन प्रोजेक्ट से निकालने के चांसेस हैं, ये सब की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड हो सकता है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वैसे अभी जैसे कि हम तो ऑलरेडी जानते थे कि यार ये जो रिसेशन पीरियड है ये काफ़ी टाइम से चले आ रहा है, और जो बाकी कंपनीज थी स्पेशली इन आईटी सेक्टर सभी इस रिसेशन का शिकार हुई है, एंड इसी तरह एक्सेंचर भी रिसेशन का शिकार हो चुकी है। तो वैसे यहाँ पे किसको निकाला जाएगा, किस बेसिस पे निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा, इसका तो एग्जैक्टली किसी को भी आइडिया नहीं है, चाहे आप एक फ्रेशर हो, चाहे आप मैनेजर हो, लीड हो, डजेंट मैटर, क्योंकि जितने भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा ये एक्सेंचर लीडरशिप की तरफ से लिया जाएगा और डायरेक्ट हमें कम्युनिकेशन आएगा थ्रू मेल्स, हमें तभी पता लगेगा। बट हाँ, एक्सेंचर ने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया है जो यहाँ पे 2.5% जो गैप पे ग्लोबल वर्कफोर्स को निकालने वाली है, अप्रॉक्सिमेट जो 19,000 पीपल को निकाला जा सकता है, उसमें से हाफ ऑफ द परसेंटेज ऐसे रोल्स होंगे जिसको हम बोल सकते हैं नॉन बिलिंग कॉर्पोरेट फंक्शन रोल्स, मतलब ऐसे रोल्स जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता क्लाइंट्स पे, अगर उनको निकाल दिया जाए तो क्लाइंट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वहां पे कॉस्ट कटिंग वगैरह हो सकती है, तो इस तरह के रोल, तो वो हाफ ऑफ द परसेंट होगा जो टोटल यहाँ पे परसेंटेज निकालने वाली है एक्सेंचर। और जो यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है वो आने वाले 18 महीनों में बताया गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से ही ये ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे। बट एक्सेंचर ने ये भी कंफर्म नहीं किया है कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन से या फिर मार्केट प्लेस से निकाला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि एक्सेंचर तो बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री से सबको निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली निकालने की बात किए गए हैं, तो किस रेशियो में किस प्रोपोर्शन में निकाला जाता है वो तो हमें टाइम ही बताएगा। बट अभी सभी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, एंड एटलीस्ट हमको अपने आप अपने तरफ से तो सब कुछ क्लियर रखना है, सब कुछ सेफ रखना है ताकि हम सेफ रहे। वेल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और फैक्टर की, अभी 2022 में काफ़ी सारा मास हायरिंग किया था एक्सेंचर ने, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजंस माना जा सकता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि किनको निकाला जा सकता है, तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया हाफ ऑफ दी जो टोटल वर्कफोर्स को निकाला जाएगा उसमें से आपका नॉन बिलिंग कॉर्पोरेट फंक्शन रोल्स होंगे, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया था, या फिर फेक कुछ डॉक्यूमेंटेशन बना के मतलब उन्होंने जॉब लिया था, इस तरह के भी आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी को निकालना होता है तो वो कुछ भी रीजन ढूंढ सकती है और आपको दे सकती है, बट जो परफॉर्मेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अगर आप एक मतलब प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो फिर एटलीस्ट ट्राई करिएगा कि उस पर अच्छे से परफॉर्म करिए और एवरेज से तो ऊपर ही रहिए, ताकि ऐसा सिचुएशन आ गया है अभी तो फिलहाल, बट अगर इनकेस अगर फ्यूचर में वापस आता है तो फिर आप इससे सेफ रहिएगा। तो अब इसके बाद हमारे हाथ में तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जो रिलेटेड है हमारे परफॉर्मेंस से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि एक्सेंचर भी बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करती है, तो हमको करते रहना है, एटलीस्ट डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं आना है ताकि एचआर को नोटिस ना हो कि हाँ ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा, एक्सेंचर इतने सारे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है वो सब भी नहीं कर रहा, और जो दूसरी चीज़ें हैं टाइम पे मतलब अपना माइटी वगैरह भरना, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स साबित हो सकता है इस सिचुएशन में, तो वो सब चीज़ें हम सबको फॉलो करना है। वेल गाइस, अभी के लिए तो हमको यही सब पता है कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ले ऑफ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, एक्सेंचर भी इस रिसेशन के ट्रेंड का शिकार हो चुका है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किसको निकाला जाता है, किस बेसिस पे निकाला जाता है, या फिर क्या सिचुएशन बनता है। तो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, अगर आने वाले टाइम में कुछ पता लगता है इंपॉर्टेंट तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप लोगों को बताने का। ये वाले जो न्यूज़ था ये पब्लिक किया गया है, आपको हर न्यूज़ चैनल पे ही मिल जाएगा या फिर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, आप जाके और पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह के न्यूज़ और इसी तरह के इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी सेक्टर या फिर दूसरे डोमेन्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।